नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रिडिक्शन भजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ इंग्लैंड और भारत के बीच में होने वाले तीन T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच के प्रिडिक्शन के बारे में, जो भारतीय समय अनुसार रात को 10:30 से स्टार्ट होगा। दोस्तों यह मैच 7 जुलाई 2022 को साउथहैम्प्टन स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वीडियो में हम स्टेडियम, पिच रिपोर्ट, वेदर, हेड टू हेड और खिलाड़ियों के प्रदर्शन से इन दोनों टीमों का कंपैरिजन करेंगे। साथ ही में दोस्तों मैं मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन भी आपको बताऊंगा और एक फैंटेसी टीम भी आपको दूंगा। दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के बारे में। तो दोस्तों पहले बात करते हैं इंग्लैंड के बारे में। दोस्तों इनके पॉसिबल प्लेइंग 11 टीम, जेसन रॉय, जोस बटलर, डेविड मलाल, फिलिप शॉट, लियाम लिविंगस्टोन इनके बैट्समैन है, मोइन अली, टाइमस मिल्स इनके ऑलराउंडर प्लेयर है, मैथ्यू पर्कसन, क्रिस जॉर्डन, डेविड विले, रिस टॉपले इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों अगर बात करें इनके अपोनेंट टीम भारत के बारे में, दोस्तों इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 टीम, रोहित शर्मा, ईशान किशन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा इनके बैट्समैन है, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा इनके ऑलराउंडर प्लेयर है, जसप्रीत बुमराह, यजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में टोटल ओवरऑल 19 मैच खेले गए, जिनमें से दोस्तों इंग्लैंड ने 9 मैचों में जीत दर्ज की, जबकि दोस्तों भारत ने 10 मैच जीते हैं। और दोस्तों इंग्लैंड ने 9 में से 2 मैच पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं, जबकि दोस्तों 7 मैचों में बाद में बैटिंग करते हुए इन्होंने जीत दर्ज की है। और दोस्तों भारत ने 10 में से 4 मैचों में पहले बैटिंग करते हुए जीत दर्ज की है, जबकि दोस्तों 6 मैचों में बाद में बैटिंग करते हुए इन्होंने जीत दर्ज की है। और दोस्तों इंग्लैंड का भारत के खिलाफ 200 रन का हाईएस्ट स्कोर है, जबकि दोस्तों भारत का इंग्लैंड के खिलाफ 224 रन का हाईएस्ट स्कोर है। और दोस्तों भारत के खिलाफ इंग्लैंड का 153 रन का लोएस्ट स्कोर है, जबकि दोस्तों भारत का 120 रन का लोएस्ट स्कोर है इंग्लैंड के खिलाफ। दोस्तों इंग्लैंड की टीम अपने खेले गए लास्ट 5 T20 मैचों में से 3 मैचों में जीत करा रहे हैं और दोस्तों 2 मैचों में हार करा रहे हैं, जबकि दोस्तों टीम इंडिया अपने खेले गए लास्ट 5 T20 मैचों में से 4 मैचों में जीत करा रहे हैं और दोस्तों 1 मैच में हार करा रहे हैं। और दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए लास्ट 6 मैचों में से 6 के 6 मैच टीम इंडिया ने जीते हैं, यानी कि दोस्तों कंटिन्यू टीम इंडिया लास्ट 7 मैच जीत कर आ रही है। दोस्तों देखो यार, यहां तक वीडियो अच्छी लगी ना तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे दोस्तों हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूले, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों यह मैच साउथहैम्प्टन स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों यहां पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, क्योंकि दोस्तों यहां पर बाद में खेलने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दोस्तों यहां पर हाल ही के T20 ब्लास्ट के मैच खेले गए थे और दोस्तों यहां पर अभी तक टोटल ओवरऑल T20 इंटरनेशनल में 9 मैच खेले गए, जिनमें से दोस्तों पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 5 मैचों में जीत दर्ज की, जबकि दोस्तों बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने यहां पर 4 मैच जीते हैं और दोस्तों यहां पर एक भी मैच टाई नहीं हुआ। दोस्तों यहां का एवरेज स्कोर 167 रन का है, जबकि दोस्तों यहां का हाईएस्ट स्कोर 248 रन पर 6 विकेट का है, जो कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम का है। और दोस्तों यहां का लोएस्ट स्कोर 79 रन पर 10 विकेट का है। दोस्तों यहां का स्कोर पैटर्न 150 के नीचे 3 बार, 150 से 169 के बीच में 3 बार, 170 से 189 के बीच में दोस्तों यहां पर 2 बार स्कोर रहा है, जबकि दोस्तों 190 प्लस भी यहां पर 1 बार स्कोर गया है। और दोस्तों देखो यार, वीडियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है पिच रिपोर्ट, और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट की पूरी डिटेल्स दूंगा, जो कि दोस्तों आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और दोस्तों आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। और दोस्तों पूरे यूट्यूब में इतनी पिच रिपोर्ट के बारे में आपको डिटेल्स कोई नहीं देने वाला। यार सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड की लेंथ के बारे में बताता हूं, तो दोस्तों 82x76 मीटर की तो ग्राउंड की लेंथ है। और दोस्तों देखो यार, यहां पर है ना जो घास बिल्कुल भी नहीं है इस मैदान पर, इसलिए दोस्तों व्हाइट बॉल में बल्लेबाजों को बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है, साथ में दोस्तों यहां पर फास्ट बॉलरों को भी अच्छी मदद मिलती है। और दोस्तों यहां पर देखो मौसम कूल रहने वाला है और बरसात की कुछ भी संभावना नहीं है, पूरा मैच होने की संभावना है। हां दोस्तों हल्की सी बारिश होने की संभावना है, जो कि दोस्तों पूरे 2%, आप समझ सकते हो कि दोस्तों 2% कितने होते हैं। और दोस्तों देखो यार, यहां पर मोस्ट रन है ना, सबसे ज्यादा रन बनाई एरोन फिंच ने। और दोस्तों यहां पर हाईएस्ट स्कोर मैं आपको बता चुका हूं कि ऑस्ट्रेलिया का है। और दोस्तों यहां पर किसी बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा अगर छक्के लगाए हैं तो दोस्तों वो एरोन फिंच ही है, जिन्होंने दोस्तों 18 छक्के लगाए हैं और दोस्तों उन्हीं का यहां पर इस मैदान में हाईएस्ट स्कोर है। और दोस्तों एक चीज और, इंग्लैंड की टीम ने यहां पर अभी तक 9 मैच खेले,
जिनमें से दोस्तों 6 मैचों में जीत दर्ज की है और दोस्तों 3 मैचों में इनको हार झेलनी पड़ी है। जबकि दोस्तों टीम इंडिया अभी तक इस मैदान पर T20 इंटरनेशनल में एक भी मैच नहीं खेली। हालांकि दोस्तों टीम इंडिया इस मैदान पर 5 ODI मैच खेल चुकी है जिसमें दोस्तों 3 मैचों में इनको जीत मिली थी और दोस्तों 2 मैचों में इनको हार झेलनी पड़ी थी। दोस्तों देखो यार, इस मैदान पर है ना दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने काफी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की है, क्योंकि दोस्तों एकमात्र इंग्लैंड का ऐसा मैदान है जिसमें दोस्तों वहीं पर होटल है टीम को रुकने के लिए। तो दोस्तों दोनों टीमों यहां पर काफी अभ्यास कर चुकी है। दोस्तों ये भी जबरदस्त सीन होने वाला है क्योंकि दोस्तों काफी अच्छी तरीके से दोनों टीमों ने मैदान को देख रखा है। दोस्तों इस मैदान पर पहले बैटिंग करने वाली टीम 56% मैच जीतने के चांसेस रखती है, जबकि दोस्तों बाद में बैटिंग करने वाली टीम यहां पर 44% मैच जीतने के चांसेस रखती है। दोस्तों इस मैदान पर हाईएस्ट चेस 158 रन का हुआ है, जबकि दोस्तों यहां पर लोएस्ट डिफेंड 162 रन का हुआ है। और यार यहां पर फास्ट बॉलरों को 69% विकेट मिलते हैं, जबकि दोस्तों स्पिनर बॉलरों को यहां पर 31% विकेट मिलते हैं। साथ ही में दोस्तों यहां पर लास्ट 10 मैचों की बात की जाए तो दोस्तों लास्ट 10 मैचों में से 81 विकेट तो मिले हैं फास्ट बॉलरों को, जबकि दोस्तों 36 विकेट मिले हैं स्पिनर बॉलरों को। और दोस्तों इन दोनों टीमों का ओवरऑल कंपैरिजन किया जाए तो दोस्तों यहां पर आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, इसमें आप देख सकते हो दोनों की ओपनिंग क्रम, बैटिंग क्रम और दोस्तों जो मिडिल ऑर्डर है और फास्ट बॉलर और स्पिनर बॉलर सब कुछ आप इस स्क्रीनशॉट में कंपेयर करके देख सकते हो। बाकी दोस्तों मैंने आपको आज की इस वीडियो में पिच के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स दी है और दोस्तों अगर आप समझ गए तो दोस्तों आप मुझे पता है कि फैंटेसी टीम में अच्छे प्लेयर चुनोगे। अगर दोस्तों आप मेरे से ही फैंटेसी टीम लेना चाहते हो तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पर मैं आपको क्रिकेट से रिलेटेड प्रत्येक अपडेट देता रहता हूं, साथ ही में वहां पर मैं आपको ठोस प्रेडिक्शन भी देता हूं। और कभी हमारी प्रेडिक्शन चेंज करनी पड़ती है तो हम टेलीग्राम चैनल पर ही बताते हैं। और यार एक चीज और, वहां पर मैं आपको है ना प्रत्येक मैच की ठोस होने के बाद में फैंटेसी टीम देता हूं और प्रत्येक मैच का ठोस प्रेडिक्शन हम टेलीग्राम चैनल पर ही देते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों बात करते हैं यार मैच प्रेडिक्शन के बारे में। दोस्तों आपको पता है यार दोनों टीमों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, दोनों टीमें काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। अगर दोस्तों बात की जाए गूगल की प्रेडिक्शन के बारे में तो दोस्तों गूगल की प्रेडिक्शन के अनुसार दोनों टीमें इस मैच को 50-50% जीत सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के बारे में तो दोस्तों मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के अनुसार इस मैच को टीम इंडिया जीत सकती है। दोस्तों आप आपकी पर्सनल प्रेडिक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों आपको पता है यार क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है, यहां पर कभी भी कुछ हो सकता है तो किसी की कोई गारंटी नहीं है। साथ में दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों देखो यार वीडियो अच्छी लगी ना तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही में दोस्तों हम आपसे मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, प्रेडिक्शन में कुछ चेंज होगा तो दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल पर ही बताऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।